अब नेक्स्ट और लास्ट थ्योरी हमारे पास इस चैप्टर की स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड न्यू ट्रेड थ्योरी. न्यू ट्रेड थ्योरी रेफर्स टू अ सीरीज ऑफ इकोनॉमिक मॉडल्स विच केम इन टू बींग इन लेट 1970s एंड अर्ली 1980s. दीज मॉडल्स एम टू प्रोवाइड आंसर्स एज टू वाई कंट्रीज हैविंग सेम साइज फैक्टर कंडीशन एंड टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड्स ट्रेड विद ईच अदर एंड कॉन्टिन्यू टू गेन आउट इट. राइट, क्या कि न्यू ट्रेड थ्योरी क्या कहती है, 1970s 1980s में आई. दीज मॉडल एम टू प्रोवाइड आंसर्स टू वाई कंट्रीज हैविंग सेम साइज, कोई कंट्री जिनका जो साइज है ऑलमोस्ट क्या है, एरिया सेम है, ठीक है, सेम साइज फैक्टर कंडीशन टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड वो भी सेम है, ठीक है. जैसे कि ताइवान एग्जाम्पल ले सकते हैं, जापान एग्जाम्पल ले सकते हैं, छोटी कंट्रीज है. इट स्ट्रेचेस ऑन इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल अनलाइक अर्लियर थ्योरीज विच फोकस्ड ऑन कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. वो कह रहे कि ये जो थ्योरी है ये फोकस करती है तुम बल्क बनाओ, जिसका अगेन एक बेस्ट एग्जाम्पल निकल के आता है चाइना. चाइना स्टूडेंट किसी भी चीज को बहुत सस्ते में बना पाने के केपेबल है, उसके पीछे की बहुत सारी वजह हमें समझ में आई, चाहे चाइनीज गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में बात कर ले, फिर चाहे चाइना के स्किल्ड लेबर की बात कर ले, ठीक है, चाहे गवर्नमेंट का एग्रेसिवली उनकी एजुकेशन पे स्पेंड करना हो जाए, ठीक है, या फिर एक फैक्टर है जिसे हम बोलते हैं रिटर्न्स टू स्केल, जो मैंने अभी अभी आपको समझाया. जब आप बल्क प्रोडक्शन करते हैं, आप एक बहुत बड़े स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट, रिटर्न्स टू स्केल कहा जाता है. राइट, सो बिसाइड्स कंपैरेटिव एडवांटेज द अदर रीजंस फॉर ट्रेड अमंग कंट्रीज ऑफ द सेम स्टेटस आर एज फॉलोज. राइट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इन केस अ कंट्री स्पेशलाइजेस इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री इट कैन रीप द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड नेटवर्क इफेक्ट्स फ्रॉम इट्स स्पेशलाइजेशन. जैसे कि बार बार बात आ रही है कि भाई अगर आप किसी चीज को बल्क प्रोडक्शन करोगे तो आप उसको बहुत रिड्यूस्ड कॉस्ट पे बना सकते हो, जिसकी वजह से आपको बेनिफिट्स ऑफ लाइक स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आप उसको सही रेट पे सप्लाई कर पाओगे एंड यू कैन टेक द एडवांटेज. राइट, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि हेवन पैकेट एचपी कंपनी, अगर आप लोगों को उसकी फुल फॉर्म नहीं पता तो ये देखो स्टूडेंट, ये नहीं उसकी फुल फॉर्म, हेवन पैकेट Which is HP. So Hewlett Packard, अब कंप्यूटर की कंपनी है, आप देखोगे लैपटॉप वगैरह बहुत सारे उसके, was the first company to come to into Silicon Valley and later on it became the hub of the IT companies. This was because of network effect, as some IT companies were already there. It makes sense for other IT companies to set up there to enjoy the benefits of externalities. जब आप एक ही जगह पे होंगे, देखो एक फायदा समझो, अगर इंडस्ट्रियल एरिया एक ही जगह बना हुआ है तो उसको बहुत फायदा क्या है भाई, सबसे पहला कि आपको लेबर ढूंढना जो होगा बहुत इजी हो जाएगा. इजी कैसे, क्योंकि अगर एक इंडस्ट्रियल एरिया है तो लेबर उसके आसपास ही रहना पसंद करेगा, क्योंकि उसको पता है एक कंपनी छूटेगी तो दूसरी में काम मिल जाएगा, दूसरी छूटेगी तीसरे में काम मिल जाएगा. तो एक तो ये तुम्हारे को बहुत फायदा हो गया कि तुम्हारा जो एक्सपेंडिचर है हायरिंग के ऊपर वो कम हो जाएगा. अच्छा, दूसरा तुमको ट्रांसपोर्टेशन को अवेलेबल करवाना आसान हो जाएगा. कैसे, अब आप एक बात समझो, आप किसी एरिया में रहते हैं, कहीं भी आप रहते हो, वहां से आपको नियर मार्केट तक जाना पड़ता है ना, जहां पे आपको ई रिक्शा ऑटो बस वगैरह मिलेंगे, है ना. लेकिन अगर मैं वही बोलूं कि आपको चाहिए कि भाई कोई ऐसा टेम्पू, कोई ऐसा ट्रक जो सामान कैरी करके लेके जाए, बिकॉज आप में से कुछ स्टूडेंट दिल्ली में है, ठीक है, तो आप पॉटर सर्विस को जानते होंगे, बट पॉटर सर्विस अभी पूरे इंडिया में फेमस नहीं हुआ. जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि तुम पूरी इकोनॉमिक्स और पूरी इंटरनेशनल बिजनेस से पूरी दुनिया की ब्रह्मांड की स्टडी को सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज तक कनेक्टेड मत रखा करो, क्योंकि जब तुम मेट्रोपॉलिटन तक कनेक्ट रखोगे तो तुम हमेशा ही गलती करोगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में चलेगा ये तो आसानी से हो सकता है, पॉटर बुला लो, सर क्यों बोल रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलता, पॉटर एक मिनट में आ जाता है, बट वो तुम्हारे लिए आ रहा है स्टूडेंट्स. राइट, बैकवर्ड एरियाज में, रिमोट एरियाज में ऐसी चीजों को लॉन्च नहीं किया जाता. तो अगर हम इंडस्ट्रियल एरिया की बात करेंगे तो जनरली वहां पे फिर क्या होगा, आपको टेम्पो ट्रक्स वगैरह इजीली वहां पे खड़े हुए मिलेंगे, तो इसका आपको फायदा हो जाएगा. अच्छा, इसके अलावा क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया तो गवर्नमेंट उसको इंडस्ट्रियल एरिया बना देती है, तो इसकी वजह से आपको पॉल्यूशन या फिर गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली कोई भी प्रॉब्लम्स है वो नहीं झेलनी पड़ेंगी. तो इस वजह से एक जगह पे जब कंपनीज बनती जाती है तो पूरा क्या बन जाता है, वो हब बन जाता है. तो हब बनने के आपको बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं. नेक्स्ट है अर्ली एंट्रेंट, अ फर्म विच एंटर्स द मार्केट फर्स्ट हैज द फर्स्ट मूवर एडवांटेज इन द टर्म्स दैट इट कैन बिकम अ डोमिनेंट प्लेयर बाय प्रोड्यूसिंग ऑन लार्ज स्केल एंड ब्रिंगिंग इट्स कॉस्ट डाउन. राइट, दिस विल क्रिएट बैरियर्स फॉर द न्यू फर्म सो एज दे विल नॉट बी एबल टू कम्पीट विद द फर्म्स फर्स्ट. है ना, आज जियो है, जियो कंपनी आज बहुत बहुत ज्यादा बड़ी बन गई. ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि
एयरटेल कंपनी अब चली गई मार्केट से, लेकिन आप सोच के देखो जियो ने एंट्री करी, जियो अब देखो जियो की एंट्री हुई 2016 में, तो अज्यूमिंग दैट अगर आप 20 साल के हैं तो 2016 में आप लोग 12-13 साल के आसपास रहे होंगे, तो 12-13 साल के आप अगर रहे थे तो इतना मुझे ही लगता कि आपको याद नहीं होगा कि जियो लॉन्च हुआ था। जियो लॉन्च हुआ था जितने भी स्टूडेंट्स को याद है, तो उस टाइम से पहले तक क्या था स्टूडेंट्स के ना जो कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से वो बहुत ज्यादा पैसा चार्ज करती थी। एयरटेल वॉज फेमस, अभी भी फेमस है बट उतना नाम अब उतना नहीं है, इतना नहीं है ठीक है। उस टाइम पे एयरटेल का नाम था, वोडाफोन का नाम था, आइडिया का नाम था, और 1 GB इंटरनेट के एयरटेल वोडा वगैरह 1 GB इंटरनेट जो कि 3G वो देते थे मंथली, उसका चार्ज करते थे 350-400 रुपया, इतना महंगा था इंटरनेट एक टाइम पे 1 GB, आप समझ रहे हो 1 GB महीने का। आज आप 1.5-2-3 GB दिन का ऐसे खत्म कर देते हो, पता भी नहीं चलता होगा कि आपको इतना नेट आप यूज कर सके हो। जियो एंटर हुआ, जियो एक बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट के साथ जब जियो ने एंट्री मारी तो उससे हुआ क्या, उसने अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर ली। अब उसने इतनी कम कर ली है कि आज के डेट में जिस रेट पे वो काम कर रहा है बाकियों को उसको टच करना पड़ेगा तब उसके बराबर पहुंच पाएंगे। जो टच कर पाई लाइक एयरटेल तो वो टिक गई, बाकी अब कोई इंडस्ट्री ना एंट्री की सोच पाती ना एग्जिस्टिंग उतना पनप पा रही है, तो अर्ली एंट्रेंट का भी फर्क पड़ता है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, वेल अदर थ्योरी स्टेट्स प्रोटेक्शनिज्म इज नॉट द राइट पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट, दिस थ्योरी स्टेट्स अदरवाइज। इट स्टेट्स दैट इफ गवर्नमेंट इन अ डेवलपिंग कंट्री प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू अ डोमेस्टिक इंडस्ट्री फॉर फ्यू इयर्स, इट विल हेल्प कंपनी टू एस्टैब्लिश इटसेल्फ एंड गेन कॉम्पिटेटिव एज इंटरनेशनल मार्केट बाय एंजॉइंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, आप टॉडलर हैं ठीक है, मतलब 5-6 साल तक के बच्चे हैं। अब ये 5-6-7-8 साल तक की एज में स्टूडेंट्स क्या होता है, आपके पेरेंट्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं, ट्यूशन छोड़ने जाते हैं, ट्यूशन से लेने आते हैं, स्कूल छोड़ने जाते हैं, स्कूल से लेने आते हैं, कहीं पे भी आप जाते हो मार्केट वगैरह आपको लेके जाते हैं, साथ रहते हैं, बाहर खेल रहे होते हो घर के तो आपको नजर रखते रहते हैं कि हाँ भाई आप बाहर खेल रहे हो। ये क्यों, क्योंकि आपके अर्ली स्टेज है, उस टाइम पे मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, तो वो आपको प्रोटेक्शन दे के रखते हैं कि हाँ भाई इनको प्रोटेक्ट करके रखो कि कहीं भी कोई मिसयूज ना कर ले, किसी तरह की मिसहैपनिंग ना हो जाए। तो यही वो कह रहे हैं कि इनिशियली गवर्नमेंट को डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को इन्फेंट टॉडलर मान करके प्रोटेक्शन देना चाहिए, जब वो धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाए, जब वो इंडस्ट्री लार्ज हो जाए, तब उन्हें इंटरनेशनल कंपटीशन फेस करवाना चाहिए, जिससे कि वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कंपटीशन में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले पाएंगे। नेक्स्ट है जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, इट रेफर्स टू दैट कंपनीज विच आर जियोग्राफिकली क्लोजर टू ईच अदर विल हैव सिमिलर कल्चर एंड इकोनॉमिक कंडीशन। वो कह रहे कि ये इसका क्या मतलब है कि जियोग्राफिकली क्लोजर होंगी उनका कल्चर, जैसे कि मान एक एग्जाम्पल लेके देख लो ना कि इंडिया नेपाल, इंडिया पाकिस्तान, कल्चर सेम है, बहुत ज्यादा अलग नहीं है। हमारी देखो लड़ाइयों को पॉलिटिक्स को अलग कर देते हैं बट वैसे कल्चर सेम है, क्योंकि उसी कम्युनिटी के लोग वहां भी रहते हैं जो जिस कम्युनिटी के यहाँ लोग रहते हैं, सेम विद बांग्लादेश एज वेल, है ना। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में आपका जब ज्योग्राफिकली आप अटैच होते हैं तो आपका क्या होता है कल्चर और सोशल सब कुछ सेम होता है। दीज सिमिलैरिटीज विल प्रोवाइड द बेसिस ऑफ ट्रेड बिटवीन दीज कंट्रीज रेदर देन कंपेटिटिव एडवांटेज। अब क्योंकि हम सेम सेम हैं तो सेम सेम की वजह से क्या होगा, हमारे को एक एडवांटेज मिलेगा कि हम क्या करेंगे, हम एक साथ मिलकर के कोई भी काम जो है कर सकते हैं, राइट। अब तो क्वेश्चंस आ गए ठीक है, तो स्टूडेंट्स दैट वाज ऑल अबाउट ऑल द थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। हमने जितनी भी थ्योरीज थी इस पूरे चैप्टर के अंदर वो सारी थ्योरीज को कवर कर लिया, एंड दिस इज द एंड ऑफ योर थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ठीक है। आई जस्ट होप आप ढंग से सारे के सारे थ्योरीज को रिवाइज करोगे, क्योंकि आप ये मान के चलो गारंटेड है कोई ना कोई थ्योरी आपके एग्जाम में आनी ही आनी है, तो उसका कोई सवाल ही नहीं है कि ना आए या जैसा कुछ है, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना। मैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स।